Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. और पिछले लेक्चर की बात करते हैं. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया और इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स Not all different. ठीक है, पहले हम देखते आए हैं कि हमने जो है परम्यूटेशंस अभी तक जो फाइंड किए हैं वो सब डिफरेंट थिंग्स की होती थी, यानी कि जो उसमें शामिल होता था, जो जो चीज़ें शामिल होती थी वो सब डिफरेंट होती थी एक दूसरे से. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ लेटर्स ऐसे आ सकते हैं, कुछ वर्ड्स में ऐसे लेटर्स आ सकते हैं जो कि सब के सब डिफरेंट ना हो, सेम भी हो सकते हैं. ठीक है, वो कैसे सेम हो सकते हैं देखते हैं कि एक लेटर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक लेटर है बिटर, BITTER. अब यहाँ पर देखें, इस वर्ड में दो लेटर्स हैं टी, सेम हैं. ठीक है, अब इसमें जब सेम आ गए यानी कि सबके सब इसमें लेटर जो हैं वो डिफरेंट नहीं है. ठीक है, आई चलें यूनिक है इसमें, कोई और इसमें नहीं है आई. ठीक है, बी भी एक दफ़ा आया, ई भी एक दफ़ा आया, आर भी एक दफ़ा आया, लेकिन टी जो है वो दो दफ़ा आया यहाँ पर. ठीक है, तो इसकी परम्यूटेशन हम आप किस तरह से फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देखना है. लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि इस टी को इसकी जगह, इस टी को इसकी जगह लिखूँ, तो फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, बिटर ही रहेगा. ठीक है, मतलब कि परम्यूटेशन जो है वो सेम रहेगी, हालांकि मैंने इसको इंटरचेंज भी किया. ठीक है, तब भी सेम चीज़ रहेगी, परम्यूटेशन सेम रहेगी. तो कोई भी ऐसी यानी कि परम्यूटेशन जिनमें ये दोनों साथ आ रहे हैं तो उनको आपस में इंटरचेंज करें तो दूसरी परम्यूटेशन बनती है, लेकिन वो सेम ही परम्यूटेशन होगी. तो इसकी अब किस तरह से परम्यूटेशन फाइंड की जाए वो देखते हैं हम. इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस एक टी को हम टी1 कह देते हैं, एक टी को हम टी2 कह देते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, PITTER, बिटर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बिटर. तो इसको अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो BITTER को अगर मैं पहले लिखता हूँ फिर T1 लिखता हूँ ER, तो दोनों सेम नहीं है क्या. अगर ये T1 T2 की जगह मैं T ही रहने दूँ जो ओरिजिनल है हमारे पास. ठीक है, बिटर, उसमें तो T1 T2 नहीं है, तो अगर मैं उसी तरह रहने दूँ तो अब यहाँ पर देखें, मैंने चेंज तो किया अपनी तरफ से. ठीक है, उनकी जगह, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि परम्यूटेशन तो सेम है, कोई नई परम्यूटेशन नहीं बनी यहाँ पर. ठीक है, तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि कोई और आपके पास वर्ड हो जिसमें सेम वर्ड्स आ रहे हो, ठीक है, सेम अल्फ़ाबेट्स आ रहे हो, तो उसमें भी आप यही चीज़ें देखेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास दो परम्यूटेशंस आई हैं जो कि सेम हैं. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं. ठीक है, तो अब क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास 5 लेटर्स हैं. ठीक है, टी तो ये सेम है ना, तो ये 5 लेटर्स हैं. तो लेकिन जब हमने T1 और T2 को अगर सेपरेट कंसीडर कर लिया, डिफरेंट कंसीडर कर लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हैं, 6 लेटर्स हैं. और उनको अगर उनकी परम्यूटेशन निकालनी हो तो 6P6 आएगा. ठीक है, यानी कि 6 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा, 6 फैक्टोरियल डिफरेंट वे से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, तो टोटल अब यहाँ से देखें तो अगर आपने सेम की बात की जाए तो दो दफ़ा जो है वो 2 फैक्टोरियल टाइम आपके से कह सकते हैं कि ऐसी आएंगी परम्यूटेशन जिनमें ये दोनों आपस में यानी कि इंटरचेंज भी करें तो सेम परम्यूटेशन रहती है. तो हम ऐसा करते हैं कि इस टोटल कम्बिनेशंस को, यानी कि अगर हम इसको डिफरेंट कंसिडर करें, उस टोटल कम्बिनेशन को अगर आप सेम से डिवाइड कर दें, सेम कितने दफ़ा आ रहा है, टी एक साथ अगर आए और इंटरचेंज भी किया जाए, सेम परम्यूटेशन दो
फैक्टोरियल दफा रहे, यानी कि जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो हैं वो सेम हैं उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल जो है वो आपके पास जो है सेम आएगी प्रमोटेशन, ठीक है। उससे अगर आप डिवाइड कर दें तो आप इसे कह सकते हैं बी आई डबल टी ई आर, इसकी नंबर ऑफ प्रमोटेशन जो बनती हैं वो ये बनती हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ऊपर कौन सी हमने लिखी है, वो परमुटेशंस जो के अगर हम सब अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट कंसिडर करें तब जाके वो बनती हैं, ठीक है। और डिवाइड हमने किससे किया है, डिवाइड हमने उससे किया है जितनी दफ़ा भी आप जो है वो यानी कि जितने अल्फ़ाबेट्स सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके जितनी परमुटेशंस बनती हैं तो उसे मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी परमुटेशन यानी कि किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड या किसी भी चीज़ का परमुटेशन फाइंड कर सकते हैं जिसमें सेम थिंग्स भी इंक्लूड हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी है। तो इसके अलावा एक और यहाँ से हम इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है। अगर जो है एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एन जो है थिंग्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं, नंबर ऑफ थिंग्स इज इक्वल टू एन है, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया जो कि डिफरेंट है, विच आर ऑल सब की सब डिफरेंट नहीं है, ठीक है, उसमें सेम भी हो सकते हैं। जिस तरह बिटर में दो दफ़ा टी था तो टी दो दफ़ा सेम आया, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम ये भी सपोज करेंगे कि इन एन थिंग्स में, एन चीज़ों में, नंबर ऑफ एन थिंग्स में एन वन दफ़ा जो है वो एक दफ़ा यानी कि अलाइक हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे नंबर ऑफ अलाइक, ठीक है, या वन काइंड, नंबर ऑफ थिंग्स अलाइक या फिर वन काइंड कह दें, वन काइंड, ठीक है, ये आ गया एन वन। अच्छा, उसके अलावा अब लाजमी तो नहीं है कि एक ही चीज़ें जो है वो यानी कि टी ही सिर्फ सेम आएगा इसमें, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है जिसमें दो दो तीन तीन चीज़ें भी सेम हो सकती हैं। तो हम उसे कहेंगे कि एन टू जो है सेकेंड काइंड के लाइक है, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स अलाइक सेकेंड काइंड, दूसरी तरह की हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जनरली देख रहा हूँ क्या बनता है, ठीक है। तो सेकंड काइंड की है तो बाकी जो है हम कह देते हैं चलें एन वन एक तरह की चीज़ें हैं, एन टू एक तरह की चीज़ें हैं, और एन में ये इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। बाकी जो एन में बचती हैं चीज़ें वो हम कहते हैं कि वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ देम आर ऑल डिफरेंट। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। तो हमने परमुटेशन जो है वो फाइंड करनी है, डिफरेंट परमुटेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हम कह लेते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड परमुटेशन हैं तो वो इक्वल हैं एक्स के, ठीक है। लेट आवर रिक्वायर्ड परमुटेशंस इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लेट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि एक्स हमने फाइंड करना है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसमें कह देते हैं कि ये एन वन जो है वो अलाइक था, तो हम उसे भी सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, डिफरेंट ही हैं आपस में, ठीक है। और इसी तरह से एन टू भी एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि सेम थिंग्स हैं, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो भी डिफरेंट है, सपोज किया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सबकी सब एन में फिर डिस्टिंक्ट आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो है वो प्रमोटेड जो चीज़ें आ जाएंगी यानी कि प्रमोटेशन आ जाएंगी, वो एन फैक्टोरियल बन जाएगा। सबकी सब अगर डिफरेंट हो तो उसका हम यही फाइंड करते हैं ना, तो एन फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो उसकी प्रमोटेशन आ जाती हैं।
लेकिन अब इस केस में तो ये है कि हमारे पास जो हैं वो एन वन सेम है, एन टू आपस में सेम है, ठीक है, तो हम उसको इससे डिवाइड कर देंगे, एन वन फैक्टोरियल। इसको एन वन में लिखूं पहले, एन वन फैक्टोरियल हो जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एन टू, यानी कि दूसरे जो हमारे पास सेम काइंड की हैं, ठीक है, एन टू फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास यानी कि रिजल्ट आ गया। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि जी हमारे पास इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एन है वो हमारे पास जो है नंबर ऑफ थिंग्स हैं टोटल, ठीक है, उसमें एन वन जो है अलाइक हैं, ठीक है, एक जैसी चीज़ें हैं, एक वन काइंड की, ठीक है, और एन टू जो है सेकेंड काइंड की, एक जैसी चीज़ें हैं, और बाकी सब जो है एन में चीज़ें वो डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है हमारी रिक्वायर्ड परमुटेशन जो है वो एक्स के इक्वल है, यानी कि डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि एन वन क्या है, एन वन जो है वो भी जो है डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, एन टू भी डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, तो टोटल नंबर हमारे पास एन जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट के लिए हम कहते हैं कि वो एन फैक्टोरियल हमारे पास जो है उसकी परमुटेशन बनती हैं, ठीक है, थीके? तो एन फैक्टोरियल बनती हैं। उसके अलावा हम कहते हैं जी कि एन वन की फिर अगर सिर्फ एन वन हमारे पास थिंग्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो एन वन फैक्टोरियल बनता है, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन वन फैक्टोरियल, एन वन फैक्टोरियल इन टू एन टू फैक्टोरियल इन टू एक्स फैक्टोरियल, एक्स इन टू एक्स, ठीक है। मतलब कि हमें तो रिक्वायर्ड एक्स है ना यहाँ से, तो एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, एन वन फैक्टोरियल इन टू एन टू फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने फाइंड किया। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि अगर सेम आ जाएँ तो हमने किस तरह से उसको जो है सॉल्व करना है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं अगर तीन सेम चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, तो क्या होगा, फिर आप इस तरह करेंगे कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल इन टू एन टू फैक्टोरियल इन टू एन थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे, जितनी भी यानी कि आ जाएं आप उससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, एन और नीचे यहाँ इस तरह एन वन और कोमा डाल के कह सकते हैं आप एन टू और एन थ्री और ब्रैकेट्स यूं आप डाल दें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से भी आप यानी कि इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक वर्ड है एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, ये हमारे पास एक वर्ड है, इसके हमने परमुटेशन फाइंड करनी है। हाउ मैनी इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर, ये जो लेटर दिया हुआ है, बी अरेंज व्हेन ऑल अदर्स आर टू बी यूज, यानी कि सब के सब हमने यूज़ करने हैं और हम इसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, सबसे पहले तो ये देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। तो इसमें जो है इस वर्ड में क्या क्या है, आई जो है, ठीक है, आई इज रिपीटेड कितनी दफा आया है जी, आई वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स आया है, फोर टाइम्स, ठीक है। एस इज रिपीटेड, एस कितनी दफा रिपीट हुआ है, एस भी काउंट कर लें, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स। और इसके अलावा पी पी रिपीट हुआ है, ठीक है, पी इज रिपीटेड, पी रिपीट हुआ है टू टाइम्स। और इसके अलावा और कौन सा लेटर है यहाँ पर, एम, एम रिपीट नहीं हुआ इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम कम्स ओनली वंस, ठीक है, एक ही दफ़ा आया। तो अब यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड परमुटेशन जो है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी जी
11 टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, परमुटेशंस मैं कह गया हूँ, तो 11 जो है नंबर ऑफ टोटल लेटर्स हैं, और रिपीटेड जो है वो आप नीचे लिखते जाएं, ठीक है, यानी कि रिपीटेड आई हुआ था 4 टाइम्स, उसके अलावा फिर जो है एस भी 4 टाइम्स, उसके अलावा पी जो है वो 2 टाइम्स आया, उसके अलावा जो है एम 1 टाइम्स आया, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर M ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि वो रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले जब समझाया आपको तब मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। अच्छा, तो इसको हम इस तरह से अब लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसको आप अगर सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट में आएगा 34650। इतने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप इस लेटर को, इस वर्ड को रीअरेंज कर सकते हैं, इतने यानी कि आपके पास मेथड्स हैं, ये वेज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था टॉपिक जो है वो परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, यानी कि सब जो चीज़ें गिवन हैं हमारे पास वो सब के सब डिफरेंट नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम एक और टॉपिक यहाँ पर पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, अभी तक जो हमने पढ़ी है परमुटेशंस वो ऐसी हैं कि विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हम पॉइंट्स के ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब हम सर्कुलर परमुटेशन के बारे में पढ़ने लगे, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है, एक पॉइंट यानी कि सर्कल में हम यहाँ इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ करके हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन। अब उसकी एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि चलें एक एग्जांपल करते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 पर्सन्स बी सीटेड, यानी कि 5 लोग हैं, ठीक है, एक राउंड टेबल है, उसके इर्द गिर्द हमने जो है वो 5 लोगों को यानी कि बिठाना है, ठीक है, तो किस तरह से बिठाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो 5 लोग हैं ए बी सी डी, उनका नाम है ए बी सी और डी और ई भी, चलें 5 लोग हैं तो ई भी आ जाएगा, तो ये 5 लोग हैं, ठीक है, इनको एक सर्कुलर टेबल किर्द हमने इनको बिठाना है, तो ये किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर लेट्स सपोज ए है, यहाँ पर बी आ जाए, यहाँ पर सी आ जाए, यहाँ पर डी आ जाए और यहाँ पर ई, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखें किसी एक बंदे को, चलें अगर हम सी को इधर शिफ्ट करते हैं, डी को इधर, यानी कि इन सब को एक एक सीट आगे कर देते हैं, तो पोजीशंस तो उनकी चेंज हो जाएगी लेकिन एक दूसरे के रेलिवेंट वो उसी जगह बैठे होंगे, यानी कि डी जो है वो ई के राइट में ही होगा, ठीक है, ए जो है वो ई के लेफ्ट में ही होगा, ठीक है, इस तरह से, यानी कि एक दूसरे को के रेलिवेंट जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी, सीटें चेंज हो जाएंगी, चले यहाँ से उठ के ये यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, किसी, इसलिए फिर हम ऐसा करते हैं कि बी को हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, या फिर ए को एक जगह यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर रहे, बाकियों की परमुटेशंस कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ना ही ले, तो ये किस तरह से, कितने बाकी बचे, यहाँ पर ये यानी कि पक्का हो गया यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, तो बी सी डी ई 4 रह गए, तो 4 की क्या परमुटेशन होती है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 ही बाकी जगह बची है ना, तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा जो कि 24 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्कुलर परमुटेशन को देखते हैं, तो इसको एक और एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है वो यानी कि एक हार है, ठीक है, हार गोल होता है ना इस तरह से, तो उसमें जो है बीड्स हैं 8, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर ई, फिर यहाँ एफ और जी और यहाँ पर एच, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ए को आप अगर फिक्स भी करते हैं तो
और इनको यहाँ पर यानी कि इन तीनों को इस साइड पे यानी कि फ्लिप कर दें। फ्लिप मतलब कि इसको यानी कि दूसरी साइड से आप देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पर ई होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एच जी और एफ है तो यहाँ पर बी सी और डी आ जाएगा, एच जी एफ यहाँ पर आ जाएगा, एच जी और एफ, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि फ्लिप करके भी सेम चीज़ ही बनी है, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसकी परमुटेशन कैसे होगी, पर अगर देखें ना इसको यानी कि इसको उल्टा करके आप देखें तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है, और सेम परमुटेशन है ये। तो फिर उसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं कि ए को यहाँ पर फिक्स किया, बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल लिखा, लेकिन वो सेम आ रही थी, ठीक है, उसकी वजह से हम हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू 7 फैक्टोरियल। इसकी परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगी 2520, ठीक है। तो इसको आगे मजीद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 7.3 नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम मजीद इसको देखेंगे क्वेश्चंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, आपको मजीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे।